हरियाणा के सोनीपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो डालने को लेकर हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। तीन युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप लोगों के संपर्क का आज के समय में एक बेहतर जरिया है, लेकिन यही संपर्क का जरिया सोनीपत के एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल दो परिवारों के बीच फोटो डालने को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में भर्ती है। परिजनों की माने तो सोनीपत के दिल्ली कैंप के रहने वाले लव और दिनेश उर्फ बंटी व्हाट्सएप के एक ग्रुप से जुड़े हुए। ग्रुप में फोटो डालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दिनेश ने लव को अपने घर बुलाया, जहां दिनेश के परिवार ने लाठी डंडों से लव और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया, जिसमें लव की मौत हो गई। वहीं तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हम सभी जौहर फैमिली है, जौहर फैमिली, तो इन्होंने हमारे को जबरदस्ती ग्रुप के अंदर ऐड किया, और उसके ऊपर ऑब्वियसली अगर ऐड किया है तो कन्वर्सेशन होगी ही होगी, तो उनको वो भी पसंद नहीं आ रहा था कि हम कौन है, हम अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो। हमने वहाँ से रिमूव किया व्हाट्सएप से, तो उसके बाद भी वो हमारे को दोबारा ज्वाइन करा देते थे, तो इसलिए हमने बोला कि ठीक है आप मिल लो एक बार हमारे से। इसीलिए मेरे ब्रदर उनको मिलने गए थे कि ठीक है हम एक बार मिल लेते हैं, कि अगर आप हमें जानते हैं और हम आपको जानते हैं तो एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि हम भी जौहर फैमिली से और वो भी जौहर फैमिली से हैं। जो साथ गया था और कोई रंजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और उन्होंने 15-20 मिनट के अंदर ऐसी प्लानिंग कर ली कि उन्होंने, अगर आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आज की डेट में भी वहाँ पे हम खुद वहाँ पे हो गए हैं, खून ब्लड और सब कुछ, सब वही का वही रहा। वहाँ जैसे ही ये पहुँचा और उन्होंने पूछा कि अजय कौन है, इन्होंने कहा, इसने धोखे से कह दिया कि भाई है उसका, तो इसने यही कहा कि मैं हूँ अजय। उन्होंने एक पत्थर नहीं, दो पत्थर नहीं, जैसे ही वो गिरा, इनकी वाइफ, उनकी जो भी थी ना, उनके घर में उन सब ने इसके ऊपर पथरावबाजी की, और जो भी था इन्होंने सामान हॉकी वगैरह इकट्ठा कर रखे थे वो सारे मारे, और जिन जो पांच भाई सीधा बचाने गए हुए थे ना, इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, कोई कहाँ पे एडमिट है, कोई कहाँ पे एडमिट। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर दिनेश और उसके परिवार के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौत लव की हुई है, करीब उसके 30 वर्ष, ये बंटी के खिलाफ हुआ है, और दो उसके लड़के के और उसके घर वाले के और दो उसके भाई, एक का राजेश है, एक का हाँ जी जो 6 थे भाई नेम है, और 4 अन्य है इनके खिलाफ, 10 के खिलाफ। हाँ, 10 के खिलाफ। मृतक के परिजन अब उस दिन को कोस रहे हैं जब उनके परिवार को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। उनका कहना है कि वो इस ग्रुप में रहना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें इसमें जोड़ा गया था। वहीं सवाल उठता है कि क्या ग्रुप में फोटो डालने को लेकर हुई कहासुनी में क्या किसी की हत्या तक की जा सकती है। कविता शर्मा किट्टू, टोटल न्यूज़, सोनीपत।